सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। कमाल से मेरा इतना बड़ा राज अपने दिल में दबाकर घूम रही है तू, और मने कानों कान खबर नहीं के सोच रही है तू। हाँ, मने दबा देगी, धमका लेगी। अरे बेवकूफ छोरी, अगर मैं अपने बाप ने मार सकू हूँ तो तू की चीज है मेरे लिए। तू नहीं जानती कितनी जिद्दी औरत हूं मैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए आधी जिंदगी मैंने जेल में काटी है। राजवीर कुछ करो, वरना माजी सच में रज्जू को मार देंगी। नहीं माजी, नहीं माजी, गलती होगी मारे से, मैंने माफ कर दो। औकात से बड़ी बात कर दी मैंने माजी, आपके पैर धोके भी होंगे, मैंने माफ कर दो। ये खंजर नीचे डालो माजी। अच्छा, अब कहाँ चढ़ा गया तेरा हौसला? घूर घूर के देख रही थी ता तुमने? दिमाग खराब हो गया था माजी मारा? नहीं बनना मैंने कोई सरपंच वरपंच, राजवीर की लुगाई बन जाओ यही बहुत है हमारे लिए। मैं तभी ना आने वाली आपके रास्ते में। यही तेरे लिए अच्छा रहेगा, इंसानों के साथ ना रही मैं, बल्कि जीते जागते दरिंदों के साथ काटी है जिंदगी मैंने जेड़ में। वो मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। ना पहले मने यू बता, तू के करके मना कर देगी सामोने? माजी साफ साफ कह दूंगी कि मने था पढ़ना कोई सरपंच सरपंच, मने माफ कर। पर अगर सामू ना माना तो? उनके माने ना बाढ़ने से क्यों हुए? मैं तो मान चुकी हूँ ना कि मने सरपंच ना बढ़ना है, अब जबरदस्ती तोड़ी ना बैठाएंगे बड़े सरपंच की कुर्सी पे। राजवीर, ये तो हमारे किए कराए पे पूरा पानी फिर गया। फिर अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं राजवीर, कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास, और वैसे भी ऐसी चांस हमें कब मिलेगी? रज्जो के माइंड में सरपंच बनने वाली बात तो हमें वापस से डालनी होगी। अरे अभी अभी मरते मरते बची है, अम्मा का खंजर देखा है उसने, अब नहीं मानने वाली हूँ। कुछ तो करना होगा राजवीर, क्योंकि अगर अगर माँ जी सरपंच बन गई तो इस घर का पता नहीं क्या होगा। बेवकूफ छोरी, मन ने धमकी दे रही है। मन ने रज्जो, अरे रज्जो, रज्जो मेरी बात तो सुन। अरे रज्जो मेरी बात तो सुन, कहाँ कोई हुई थी से आवाज दे रहा हूं मैं, मेरी आवाज सुनाने दे रही तेरे को? अब तक तो सरपंच बनी भी ना, और अब से तूने मैंने नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया। ना जी ना, भले मने दो थप्पड़ मार लेना, पर ऐसा इल्जाम हमारे पे कभी मत लगाना। दुनिया इधर की उधर हो सके, पर रज्जो आपने कभी नजरअंदाज ना कर सके। है ना, इतना भावुक होने की जरूरत ना, मैं तो सिर्फ देखो छेड़ रहा था, मस्ती कर रहा था। आप बताओ, सरपंच तू बन रही है, पकड़ी है ना मारे को अपने सर पे दिखाई दे। और एक सच बात बताओ, ताऊ जी ने एक बार जिसके नाम का ऐलान कर दिया सरपंच के लिए, तो फिर पूरा गांव उसी पे मोहर लगा दे। इसका मतलब तो यो कि तू सरपंच बन गई, तय है तेरा सरपंच बन, और मेरा सरपंच नहीं के घर वाला। जी बने कुछ कहना है आपसे? अरे तू ना ना, तू कुछ ना कह, कहना तो मैं थारे से चाहूं। असल में इसके पहले मेरे को थारी काबिलियत बिल्कुल समझ नहीं, हमेशा थारे से रूखी बात करता रहा, गलत बात करता रहा, चिल्लाता रहा, डांटता रहा, लेकिन जो ताऊ जी के फैसले ने ना हमारी आंखें खोल दी, मैं तारी काबिलियत भी समझ गया हूँ। और सच बोलूं तो उस दिन मारे को तारे पे बहुत गर्व महसूस होगा, जिस दिन तू इस गांव की सरपंचनी बन जाएगी। मारी बात तो सुनो पहले। अरे तू मारी बात सुन, और बल्कि मारी नहीं, मारे दिल की बात सुन, जो हमेशा तारे लिए धड़कना चाहे, तारे खूब सारा प्यार करना चाहे, हमेशा आपके सारे सुख दुख में सिर्फ
आप ही का साथ देना चाहूंगा। अब तक आपने सिर्फ मेरा सख्त रूप देखा, पर अब मैं अपने दिल में छिपा प्यार अपना दिखावा चाहूंगा। जिसके लिए सब कुछ भूल भाल के यहाँ बैठी हूँ, आज वो खुद तुम्हारे लिए सब कुछ भूलने को तैयार है। पर एक मुश्किल यो है कि मैं सरपंचनी बन नहीं सकती। काश मने जोश में आके माजी ने वो चेहरे वाली बात ना बताई होती, तो खुद माजी पैर पकड़ के माफी मांग लेती और सरपंचनी बनने के लिए मना लेती। पर अब तो माजी कभी नहीं मानेंगी। अरे ये सोच रहे हो आप? अगर मैं राजपाल से बात करूं तो शायद वो माजी ने मना लेंगे। चुप, सब ठीक तो है ना? आप अचानक से इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? जी मैंने माफ कर देना जी, पर मैं नहीं बनना चाहती सरपंच। आप क्या कह रहे हो रज्जो? सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है, आप परेशान ना हो। असल में हमारे संस्कार मने रोक रहे हैं ऐसा करने से। ब्याह के बाद सास ही तो माँ हो गए ना, और मैं भला अपनी सास के खिलाफ कैसे खड़े हो सकूं? लोग क्या कहेंगे? ना जी ना, आरा जमीर ना मान रहा कि मैं अपनी सास में दुख पहुंचाऊं। जमीर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिना ब्याह किए गैर मर्द के साथ रह लिए और बातें करिए वैल्यूज और संस्कार। वारी रज्जो। अरे तू कह तो सही रज्जो, मैं समझाऊंगा अम्मा को। मैंने पता है हमारी बात ने बिल्कुल ना टालेगी। मैं ना जी ना, आप माँ जी से इस बारे में कुछ बात मत करना, बेकार में उनके दिल ने ठेस पहुंचेगी और मने यू अच्छा ना लगेगा। आप बस मने माफ कर देना, धरना बनने की सरपंच। अरे पर रज्जो मेरी बात तो सुन। सॉरी सिमरन मैम, मैं रज्जो को मना नहीं पाया। तो इसका मतलब ये तो फाइनल हो गया कि रज्जो इलेक्शन में खड़ी नहीं होने वाली। इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं पाया सिमरन। क्यों नहीं हुआ राजवी? हमें इतनी बड़ी लीड मिल गई, हमें पता चल गया है कि माँ जी ने दादाजी को देने के लिए वो जहर कहाँ से लिया था। रज्जो के चाचा से। अगर उन्हें माँ जी की सच्चाई सबको बता दी तो वो एक्सपोज हो जाएंगी। हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन रज्जो का चाचा गवाही देने के लिए मानेगा क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो गवाही देगा तो वो खुद केस में फंस जाएगा। सबसे पहले तो जहर बनाने के, फिर दूसरा होने की मदद करने। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा राजवी। वो कहते हैं ना, where there is a will, there is a way। राम राम ताऊ। राम राम। आ जाओ, बैठो बैठो। बड़ो दोस्त। जीती रहो। तो फिर बताओ ताऊ जी, किसके नाम का फैसला किया है आपने? अब क्या बोलूं? असल में मना जिसके नाम का फैसला किया था, वो अभी तुम सब के आने के थोड़ी देर पहले ही खुद पीछे हट गई। कहवे के मैं सरपंच बनना ही नहीं चाहती। तो क्यों होगा? कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है ना, घबराने की जरूरत ना है। मना दूसरा नाम भी सोच लिया है। गांव की मिट्टी में जन्मी, एकदम पक्की गांव की छोरी है वो। पढ़ी लिखी ना है, पर समझदारी और अकलमंदी में अच्छे अच्छों की छुट्टी कर सके। और मना पूरा यकीन है भाई, पंचायत में आने से अपने गांव का बहुत भला होगा। इसलिए मैं पूरे विश्वास और खुशी से सबने यो बता देना चाहता हूं, इस बार हमारी तरफ से सरपंची का चुनाव सिमरन बहु लड़ेगी।
इतना हैरान होने की कोई जरूरत ना है। अरे इस गांव को तेरे जैसा ही सरपंच चाहिए, उनकी तरह सोचने का, समझने का, मुश्किलों को सामना करने का तरीका जाना एकदम अलग है बेटा। तो भारी से भारी वक्त में भी एकदम सही फैसले ले वे। और मने यकीन है कि तेरी सरपंची में रणकपुर का नाम और भी रोशन होगा। Yeah.